और उस समय बीपीएससी को कंडक्ट करा दिए रहते तो आज ये खाई इतना लंबा नहीं रहता। मेरी सरकार ने ये काम नहीं किया, ये उनकी सरकार ने की, तो उनके कारगुजारी को हम लोग मरम्मत कर रहे हैं। नए निवेशक हमारे पास आ रहे हैं जो उसके मूल्यांकन के आधार पर उसकी एक नीति निर्धारण कर और उस फैक्ट्री को भी हम लोग बिक्री कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी पार्टी के और एनडीए के मैनिफेस्टो में यह था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 19 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, जो पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों को रोजगार की स्वीकृति भी मिली, तो आपके विभाग क्या कुछ कर रहा है रोजगार को लेकर? जी देखिए, ये जो रोजगार देने की बात हुई, इस दिशा में सरकार जो है हर स्तर पर प्रयत्नशील है। और चूंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बहुत सारे निवेशक जो इस बिहार में आने वाले थे वो अपना निवेश करने का स्वीकृति पत्र दिए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। तो हम लोग सरकार जो है एक सरकारी स्तर पर विभिन्न विभागों में मूल्यांकन करा रही है कि कहाँ कहाँ रिक्त पद है, चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो, चाहे ग्राम कचहरी का हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे पंचायत का क्या बोलते हैं सचिव का हो। तो इस प्रकार जितने स्तर हैं सरकार के, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, इसका एक मूल्यांकन हो रहा है। जो इस कोरोना के कारण हम लोग चुनाव से निकले, उसके बाद मार्च में बजट पास हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई में देख रहे हैं हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। सर, अगर आपके विभाग की बस हम बात करें तो आपके विभाग में अभी कितनी रिक्त पदें जो हैं खाली हैं, वो कब तक भरी जाएंगी? ये हम बता रहे हैं कि अभी बीपीएससी का परसों रिजल्ट आया, तो अब जो बीपीएससी 64वीं बैच का रिजल्ट हुआ, तो बीपीएससी में कहा गया कि जिस विभाग में रिक्त पोस्ट थे तो वह सीधे उस विभाग को दिया, 64 बैच वाला को। तो जौन जौन विभाग में दिया वो दिया। अब हमारे विभाग में भी जो रिक्त पद है तो कई विभाग ऊपर से लिया है, तो जैसे समाज कल्याण विभाग या ऐसे कई विभाग हैं, सेल टैक्स विभाग या कई विभाग में दिया है, जो सीधे पहले उसी विभाग में जाएंगे और वह ट्रेनिंग करेंगे और उसी विभाग में काम शुरू कर देंगे। अब 65वां बैच का फिर रिजल्ट होने वाला है, 2-4-5 दिन में वो भी रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार सरकार जो है जो 65 बैच का जो रिजल्ट, यानी कि बीपीएससी का 65 बैच का परीक्षा का कंडक्ट करा दिया और रिजल्ट आएगा और जो रिक्ति है वो उस हिसाब से किया जाएगा। अब थोड़ा और पीछे चलिए, अभी जो ये रिक्ति का जो ये मामला है ये 65 बैच का है, और जब आज़ादी के बाद से जब बीपीएससी कंडक्ट हुआ और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ, और ये जो नेता प्रतिपक्ष जिन सवाल को करते हैं उनके मम्मी पापा का राज चला, तो उस समय कितना बीपीएससी को कंडक्ट कराए थे? अगर उस समय बीपीएससी को कंडक्ट करा दिए रहते तो आज ये खाई इतना लंबा नहीं रहता। तो ये खाई जो उत्पन्न हुआ है ये उनके समय काल का देन है। अब पता कीजिएगा, हम जो विपक्ष का कहना है कि सर, जिस तरह से अभी नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है उसमें बिहार अन्य राज्यों से काफ़ी पिछड़ चुका है, तो उसमें उनका कहना है कि पिछले 15 सालों में बिहार में एनडीए की सरकार थी, उसके बावजूद ये कहा जाता है कि उससे पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या किया? देखिए, अब वह 15 साल की जो विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, 15 साल पहले जेपी सेतु पुल था, गांधी सेतु पुल इतना डेवलप था, इतना लंबा ओवरफ्लाई पुल था, 15 साल पहले रोड था, यहाँ से मोतिहारी जाने में 6 घंटा लगता था, मोतिहारी से ही आने में 6 घंटा लगता था, और गांव में मोतिहारी से 20 किलोमीटर अगर भीतर जाना है तो घंटा 1.5 घंटा लगता था। बिजली थी, बिजली पटना का शोभा का दर्शन था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, शुद्ध पेयजल नहीं था,
और जितनी चीनी मिल हमारी जो बंद हुई है, एक भी चीनी मिल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में बंद नहीं हुई है। ये सभी चीनी मिल 1990 से पहले और 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2005 के पहले और 90 के बाद से ये बंद हुई है। निगम की चीनी मिलें थी, ये निगम को चीनी मिल को सरकार टेकअप किया, सरकार निगम बनाया, तो ये मेरी सरकार ने ये काम नहीं किया, ये उनकी सरकार ने की, तो उनके कारगुजारी को हम लोग मरम्मत कर रहे हैं। तो क्या है सर कि अभी भी बिहार में कई चीनी मिलें बंद हैं, तो सरकार ने इस बार कहा था कि जो चीनी मिलें बंद हैं उसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे, तो कब तक वो हो पाएगा? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, जो चीनी मिलें बंद थी इसकी पूरी प्रॉपर्टी बियाडा को चला गया, उद्योग विभाग को। अब वहाँ चीनी मिल अगर लगाने वाले आएंगे तो उनको प्रायोरिटी देगी, अगर चीनी मिल लगाने वाले नहीं आएंगे, दूसरे उद्योग लगाने वाले आएंगे तो उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी बियाडा के अंतर्गत हम लोगों ने दे दिया है और उसके तहत उद्योग विभाग के पास, जो मैंने कहा ना कि 3,500 करोड़ के जो निवेशक आए हैं मोतीपुर में, जो फूड इंडस्ट्री लगने की बात हो रही है कटिहार पूर्णिया और मधेपुरा में, जो एथनॉल की इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये सब उसी चीनी मिल के ही जो बियाडा की प्रॉपर्टी है उसी में लगने वाली है, दूसरा तो सरकार का ज़मीन नहीं है, ये चीनी मिल वाला ही जो ज़मीन है जहाँ जहाँ बंद चीनी मिल का ज़मीन है उसी पर ये सारे उद्योग लगाने की नीति बन रही है और उसके तहत ये काम हो रही है। तो अब एक विषय और है, गन्ना किसानों की बकाया। तो दो चीनी मिल है, एक सासामूसा और एक है आपको क्या बोलते हैं सिधवल, आपको रीगा। तो ये दो चीनी मिल छोड़कर बाकी सभी चीनी मिलों ने कहा है कि हम 15 जून तक पेमेंट कर देंगे। तो इस दो चीनी मिलों को हम लोग कलेक्टर के माध्यम से मूल्यांकन कराकर उसकी लायबिलिटी और उसकी एसेट्स, उस दोनों का मूल्यांकन कराकर नए निवेशक हमारे पास आ रहे हैं, जो उसके मूल्यांकन के आधार पर उसकी एक नीति निर्धारण कर और उस फैक्ट्री को भी हम लोग बिक्री कराएंगे, और जो नए निवेशक आएंगे उसके लायबिलिटी को देकर मालिक से समझकर उसको लेकर और इस दिशा में काम करेंगे। तो इस दिशा में अभी लोग पहल कर रहे हैं और सिक इंडस्ट्री एक्ट भी है, उसके तहत भी अगर वह उद्योगपति नहीं समझेगा तो उसको कानूनी वैधता के तहत भी हम लोग इस काम को करने वाले हैं। और बाकी जो उद्योग है सो कई निवेशक आ रहे हैं, तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20% एथनॉल की जो बात कही है अभी हाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, तो इसका सबसे बड़ा उपयोगी स्थल, उद्यमी स्थल अपना बिहार है। और ये 20% एथेनॉल बनेगा तो मक्का से बनेगा, बनेगा तो चावल के कुटकी से बनेगा, और नहीं तो सबसे ज़्यादा बनेगा तो गन्ना से बनेगा। तो गन्ना का उपयुक्त भूमि है, चावल का मुख्य उपयुक्त भूमि है और मक्का का भी उपयुक्त भूमि है। तो इस दिशा में सरकार जो है 20% एथेनॉल की जो प्रधानमंत्री जी ने पहल किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2005 में ही एथेनॉल नीति के बारे में बोले थे, लेकिन तत्कालीन सरकार उस समय UPA सरकार थी इस विषय को नहीं समझ सकी, जिसके कारण इतना विलम्ब हो गया। अगर उसी समय इस विषय को समझ जाती एथेनॉल वाला तो आज कहीं बिहार कहीं और ऊंचाई पर जाता। पर सर एक सवाल है कि कई निवेशक जो हैं वो बिहार में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर हमारी कई उद्योगपतियों से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो ज़मीन हमें दी जा रही है उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में दिक्कत हो रही है हमें। नहीं, ये जो बहुत सा जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाना था तो उसमें तो सरकार बहुत उदारता से काम की, तो उद्योगपति
उद्योग लगाने वाले अब आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके साथ बैठकर सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से बैठकर और उनके ज़मीन का जो मूल्यांकन है उसको आगे पीछे किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है कई जगह पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब बिहार सरकार और बिहार में जब चुनाव थे तो उस समय एनडीए की सरकार ने जो वादा किया था 19 लाख रोजगार का, उसको लेकर हर एक संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और जो भी निवेशक बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनका मंत्री जी ने स्वागत भी किया है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन अनुपम के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।